बेल आइकन को दबाना ना भूले। यह मुद्दा गांव उकावत खुर्द थाना बमौरी जिला गुना मध्य प्रदेश का है। गांव उकावत खुर्द निवासी राधेश श्याम लोधा पर आरोप है कि उन्होंने 6/11/2020 को उन्होंने विजय सहरिया नाम के व्यक्ति को जिंदा जला दिया है। वहीं राधेश श्याम लोधा की पत्नी कोमलबाई ने पुलिस अधीक्षक को एप्लीकेशन लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके पति निर्दोष हैं, उन्हें मुआवजे के लिए झूठा फंसाया जा रहा है, क्योंकि पीड़ित दलित परिवार से है। विजय एक दिन उनके पति से शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था। राधेश्याम लोधा ने कई बार मना किया, मना करने पर विजय सहरिया उनसे झगड़ने लगा। झगड़ते झगड़ते बात गाली गलौज व हाथापाई पर आ गई। इसको लेकर राधेश्याम ने विजय सहरिया के परिवार वालों को यह सूचना दी कि वह इस वजह से झगड़ रहा है। इस पर विजय सहरिया के परिवार वालों ने विजय से झगड़ा किया। इस झगड़े ने एक पारिवारिक कलह का रूप धारण कर लिया। इसके चलते विजय ने आत्महत्या कर ली, परंतु जो आरोप लगा वो लगा राधेश्याम लोधा पर। दोस्तों, केस कितना झूठा है, कितना सच्चा, यह तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसके चलते अखिल भारतीय लोधा लोधी लोध महासभा ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं शिवराज चौहान ने कहा है कि जो भी आरोपी है वह बचेगा नहीं तथा निष्पक्ष जांच होगी। दोस्तों, सभी लोधी क्षत्रियों से निवेदन है कि सभी इस मुद्दे को अधिक से अधिक बढ़ाएं, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि राधेश्याम लोधा को एक निष्पक्ष जांच मिल पाए और उन्हें न्याय मिल पाए। अगर राधेश्याम लोधा आरोपी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, परंतु अगर वह बेगुनाह है और उसे झूठा फंसाया जा रहा है तो यकीनन हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह न्यूज़ आपको अंदर से झकझोर देगी और आशा करता हूँ कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करोगे ताकि राधेश्याम लोधा को न्याय जल्दी ही मिले। जय लोधेश्वर, जय राजपूताना, जय माँ भवानी।